My name is Neha Kumari Kohli. I am pursuing diploma in mechanical engineering from GPT 7. Today my seminar topic is hydrogen powered vehicle, which is under the guidance of Professor Sir Nikhil Sir. First of all, we know that there's clearly hydrogen powered vehicle था, लेकिन उस समय वो hydrogen powered vehicle बोलते नहीं है, बोलते fuel cell electric vehicle. इसलिए इसे बोलते क्योंकि ये भी एक तरह से जैसे हम electric vehicle के बारे में जानते हैं, उसी तरह से इसमें भी कहीं ना कहीं electricity produce होता है, इसीलिए हम इसे, लेकिन इसमें हम electricity उस तरह से produce नहीं करते जैसे hydrogen का use करके कर रहे हैं, इसीलिए सब fuel cell electric vehicle बोलते हैं. सबसे पहले ये है क्या, तो ये एक ऐसा गाड़ी है जो कि हाइड्रोजन पे चलती है, जहाँ पे हम अभी या तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं चार्ज करके, या फिर हम लोग पेट्रोल या डीजल से गाड़ी चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना कोई हाइड्रोकार्बन का यूज़ ना करके हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं. और हाइड्रोजन एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि हम इसे बार बार रिन्यू कर सकते हैं, और ये हमारे नेचर में अबंडेंट है बहुत सारे मात्रा में, तो हमें ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगेगा. दूसरी बात है कि ये जीरो इमिशन करता है, इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती है, ये मतलब कि नॉन पॉल्यूटिंग व्हीकल, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है. इसमें एक यूज़ होता है फ्यूल सेल. अब फ्यूल सेल होता क्या है, तो फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. जैसे कि हम लोग जो पेट्रोल व्हीकल है उसमें भी फ्यूल का यूज़ करते हैं, और वो भी केमिकल एनर्जी को मतलब कि एक तरह से इलेक्ट्रिक जनरेट करता है और फिर पावर देता है, बट इसमें हम लोग कोई भी हीट इंजन का यूज़ मैकेनिकल, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करके फिर उसको तो मैकेनिकल नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू, क्योंकि उसे तो चलाना मेन पर्पज है गाड़ी को, तो गाड़ी तो एक मैकेनिकल एनर्जी से ही चलेगी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगी, इसमें कोई भी हीट इंजन का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं. दूसरी बात कि ये जो होता है इसमें फ्यूल सेल में एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है. रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, तो जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब जो रिएक्शन होता है तो एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में करते हैं, तो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं. और ये एक कन्वेंशनल प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने, यानी कि हम लोग इस प्रोसेस से बहुत बार एनर्जी को प्रोड्यूस बहुत जगह पर यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को. इसका प्रिंसिपल फ्यूल सेल में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं और कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोड जो कि बना होता है कोई भी मटेरियल का जो कि प्रोटोन गेन या मतलब कि रिमूव करे. उसके बाद कैटलिस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्शन को फास्ट या स्लो करने के लिए, और इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं उस रिएक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए. इसमें जो क्या करते हैं कि फ्यूल सेल हाइड्रोजन का हम यूज़ क्यों करते हैं, हाइड्रोजन सबसे पहले इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि अबंडेंट इन नेचर बहुत ज़्यादा हमारे नेचर में पाया जाता है. इसका बाई प्रोडक्ट सबसे पहली बात है कि कोई भी व्हीकल हम लोग यूज़ करें तो उसका बाई प्रोडक्ट हमें या तो ये क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सब मिलता है. अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं तो उसमें भी जब बैटरी ख़राब हो जाती है तो उसमें लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करते हैं, जो कि डिकम्पोज करने के लिए अभी हमारे इंडिया या फिर कहीं भी बहुत ज़्यादा कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जहाँ भी डिकम्पोज किया जा रहा है या फिर उसको जला दिया जाता है जिससे बहुत ही हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट वाटर है जिसका कि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं है एनवायरमेंट पर. दूसरी बात ये है जो इसकी फिलिंग, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखते हैं कि वो भी एक तरह से जीरो इमिशन है, लेकिन उसमें गाड़ी को रिफ्यूल करने के लिए व्हीकल को हमें टाइम लगता है. अगर कोई गाड़ी 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर चल जाती है तो उसे चार्ज करने में हमें टाइम लगता है, बट इसमें रिफ्यूलिंग में हमें टाइम नहीं लगता है. जैसे हम लोग पेट्रोल 2 से 3 मिनट में भरवा लेते हैं जाकर, वैसे ही इसे भी इसके लिए भी हाइड्रोजन स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पर कि हाइड्रोजन टैंक में हाइड्रोजन को फिल किया जाता है. इससे एलिमिनेशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, जिसके कारण बहुत सब ग्लोबल वार्मिंग ये सब हो रही है, तो वो सब एलिमिनेट कर रहा है ये ग्रीन हाउस गैसेस को. इसका एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा, अगर हम 1 लीटर पेट्रोल से 12,000 वाट की एनर्जी यूज प्रोड्यूस करते हैं, वहीं 1 किलो हाइड्रोजन का अगर यूज़ करें तो उससे 40,000 वाट आवर की एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सबसे पहले जो हाइड्रोजन व्हीकल था फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको BMW ने बनाया था, लेकिन उन्होंने कैसे बनाया था, तो BMW ने जो हम लोग अभी हीट इंजन चला रहे हैं जिस पेट्रोल व्हीकल में यूज़ होता है, वही व्हीकल में उन्होंने
पेट्रोल की जगह कुछ इम्प्रूवमेंट करके हाइड्रोजन को फिल किया था, जिसके कारण उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी। जहाँ हम लोग पेट्रोल व्हीकल से 7,000 से 8,000 आरपीएम व्हीकल तेजी से चलता है, वहीं ये 17,000 से 18,000, जिसके कारण भी व्हीकल का जो कॉम्पोनेंट था इंजन का वो बहुत ही जल्दी क्लियर एंड क्लियर होने लगा। इसके बाद इसमें फिर चेंजेस किए गए बीएमडब्ल्यू कार में, और उसमें इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया, उससे हीट इंजन को एलिमिनेट करके हटाकर उसमें हाइड्रोजन टैंक, बैटरी, फ्यूल से और मोटर का यूज़ किया गया। इसमें जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, एक हाइड्रोजन व्हीकल, हाइड्रोजन में हो गया तो हाइड्रोजन को हम उसको फिल करेंगे, तो हाइड्रोजन में काम करेंगे। हाइड्रोजन हमारे नेचर में है, और फिर बहुत सारी चीज़ों से हम लोग हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि अभी पावर प्लांट के थ्रू भी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ पे जैसे हमारे नेचर से उससे मतलब कॉम्प्रेस करके हाइड्रोजन को, या फिर वाटर से हाइड्रोजन को रिडक्ट करके बनाया जा रहा है। क्या प्रोसेस तो है में रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, तो क्या वो इतना आसान प्रोसेस है, मतलब अगर इतना आसान है तो क्यों इलेक्ट्रोलाइसिस? इतना भी आसान नहीं है, अभी उसको बनाना थोड़ा टफ है, लेकिन अभी उस पर बहुत रिसर्च चल रहा है, उसे आसान किया जाए, इसलिए इसका भी इनिशियल कॉस्ट हाई है, क्योंकि इसका पावर स्टेशन बनाना ये सब बहुत मतलब अभी पूरा सब जगह किया नहीं गया है, अभी हाइड्रोजन आसानी से मिल नहीं पा रहा है सब, लेकिन हमारे नेचर में ये तो पता है बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन। स्टोरेज कैसे इसको स्टोर करोगे? कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है हाइड्रोजन टेम्परेचर इसका मतलब कि बहुत ही कम करना पड़ता है, माइनस टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है, और इसका प्रेशर भी बहुत कम करना पड़ता है। ये हाइड्रोजन व्हीकल का कैसे बनता है वो गाड़ी है, यहाँ पे सबसे पहले फ्यूल सेल का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को फिल करते हैं, यहाँ से हम हाइड्रोजन को फिल करते हैं, ये हाइड्रोजन टैंक में हाइड्रोजन फिल होता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, और ये डायरेक्ट या तो प्रोपल्शन सिस्टम के पास जाएगा, जिसके कारण गाड़ी चलने लगेगी, और उसमें से जो कुछ एनर्जी बचती है उसे बैटरी में स्टोर किया जाता है। जब पीक एनर्जी की जरूरत होती है तब बैटरी, इसमें बैटरी बहुत ही छोटा यूज होता है, क्योंकि इसमें बस उस टाइम पे हमें बैटरी का काम पड़ता है, जब पीक एनर्जी की जरूरत हो या फिर कोई गाड़ी ढलान ये सब पे जा रही है तब उसके लिए यूज करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है कि उसमें हमारे पास एनर्जी स्टोर रहेगी, लेकिन हाइड्रोजन व्हीकल में एनर्जी स्टोर नहीं थी, सडन एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उससे गाड़ी चली गई। इसकी एफिशिएंसी जो होती है एक्चुअल एफिशिएंसी से देखी जाए तो 60 से 70% होती है, और इसका फ्यूल सेल में काम कैसे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले एक एनोड है, एक कैथोड है, इधर से हाइड्रोजन गैस आती है, इधर से एयर से ऑक्सीजन गैस, और यहाँ पे प्लैटिनम या कैडमियम का कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं, और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट होता है, जहाँ पे रिवर्स इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्रोड्यूस होता है। वाटर जो कि हमें साइलेंसर जैसे गैस निकलता है, CO2 उस तरह से यहाँ से वाटर निकलता है स्टीम के फॉर्म में वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोपल्शन सिस्टम में गाड़ी को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। वाटर निकलेगा स्टीम फॉर्म में, वो हीट हो जाता है ना वाटर बाहर तक, हीट होने के बाद गाड़ी कहाँ हो जाता है वो जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पर मतलब कि वाटर हीट के फॉर्म मतलब हीट भी तो निकलता है सिस्टम से। रिएक्शन में तीन चीज़ निकल रहा है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होता है क्योंकि
आपके रिएक्शन होता है उससे हीट प्रोड्यूस होता है और वो हीट के कारण वाटर जो होता है कुछ के इतना ज्यादा हीट रहेगा कि स्टीम बना जाएगा वाटर को हीट मिलेगा तो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकलेगा इसमें तो सही स्टीम फॉर्म नहीं निकलेगा एडवांटेज क्या क्या है हाइड्रोजन व्हीकल का तो सबसे पहला हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा इफिशियंट है अभी तक हम देखें जितना भी फ्यूल व्हीकल हम लोग डीजल यूज़ करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करें उन सबसे ज़्यादा इफिशियंसी हाइड्रोजन व्हीकल की है। दूसरा बात कि इसमें जीरो इमिशन है कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं हो रहा है गैस ये लाइट वेटेड है जिसके कारण इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बैटरी का यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है जिसके कारण इसमें बैटरी हमें कोई ज़्यादा बड़ा नहीं यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद इसका चार्जिंग टाइम एक्सट्रीमली फास्ट है जैसे बताया रिफ्यूलिंग टाइम इस पर स्टेशन पे जाओ और जैसे पेट्रोल भराते वैसे ही हाइड्रोजन को फिलअप करवाना होता है। उसके बाद इसमें कोई भी नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता है और हमारा सबसे पहला बात हो रहा है कि अभी ऑयल लॉट बहुत ज़्यादा हो रहा है ऑयल लॉट के कारण हमारे कंट्री में बहुत सारे कंट्री पर लेकिन इसके कारण हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगा ऑयल पर क्योंकि हमें ऑयल से डायरेक्ट जब हाइड्रोजन से मिल जाएगा तो हमें ऑयल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा गाड़ी को चलाने के लिए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहले इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है अभी क्योंकि अभी सभी जगह पावर स्टेशन से सब नहीं बने तो इनिशियल कॉस्ट और हाइड्रोजन अभी डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण इनिशियल कॉस्ट हाई है। इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है जिसके कारण कि फ्यूल जो होता है जहाँ हम एक 30 लीटर का पेट्रोल टैंक बनाते हैं उसके जहाँ हम 30 लीटर पेट्रोल भर सकते हैं उतनी बड़े टैंक में हम लोग 450 ग्राम ही हाइड्रोजन को भर सकते हैं तो इसका मतलब कि अभी डेंसिटी लेस होने के कारण थोड़ा इसमें मतलब कि बड़ा टैंक का ज़रूरत पड़ सकता है। उसके बाद इसमें ट्रांसपोर्टेशन डेंसिटी हाइड्रोजन की बहुत ही लेस होती है तो डेंसिटी कम होगी तो वो वॉल्यूम ज़्यादा लेगा तो इसी कारण हाइड्रोजन और पेट्रोल जो है वो 30 लीटर का अगर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं तो उसमें 30 लीटर पेट्रोल लगेगा लेकिन वही 30 लीटर वाले टैंक में हाइड्रोजन को जितना हम रखना चाहें उसमें 0.45 मतलब कि 450 ग्राम तक पेट्रोल तक मतलब हाइड्रोजन को रख सकते हैं। कितना गाड़ी चल जाएगी 30 लीटर से हमारा माइलेज मान लो इफिशियंसी ज़्यादा तो गाड़ी इसके भी उतने ही 320 किलोमीटर या जितना भी चलती है 30 लीटर पेट्रोल से उतना वो भी चलेगी लेकिन यही कि इसमें स्टोरेज प्रॉब्लम है क्योंकि पहली बात कि हाइड्रोजन जो है वो फ्लेमेबल है तो हाइड्रोजन फ्लेमेबल है उसको ट्रांसपोर्टेशन में टफ हो जाएगा क्योंकि फ्लेमेबल है तो कभी भी आग ये सब लगने का डर है। उसके बाद इसका जो हैंडलिंग प्योर हाइड्रोजन का वो काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि फ्लेमेबल लिक्विड है और वो मतलब कि आग ये सब लगने का ज़्यादा चांसेस है इसमें और ये काफ़ी अभी एक्सपेंसिव है क्योंकि हमें हाइड्रोजन अभी प्योर फॉर्म में मिल नहीं पा रहा है। इसका डिफरेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल सेल व्हीकल में क्या है तो सबसे पहले जो इनिशियल कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो थोड़ा कम है जबकि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है मतलब हाइड्रोजन व्हीकल उसकी कभी इनिशियल कॉस्ट बहुत ही हाई है ये हाईली इनफ्लेमेबल है मतलब इसमें कोई जलने वाले कुछ है नहीं इलेक्ट्रिक से यूज़ कर रहे तो कुछ भी जलने का डर नहीं है बट उसमें अभी टेस्ट किया जा रहा है लेकिन इसमें फ्लेमेबल है क्योंकि टेस्ट अभी जल सकता है उसमें कुछ भी ग्लोबली वाइड भी यूज़ पहुँच रही है अब जो है जीरो इमिशन जैसा कि अब सब जगह चल रहा है तो इसीलिए सभी जगह ग्लोबली यूज किया जा रहा है ना वो तो सेफ बताया सेफ सेफ है और अभी उधर फ्लेमेबल है क्योंकि उसमें अभी मतलब कि हाइड्रोजन जब फील किया जा रहा है तो उसको जलने का भी कहीं भी वो आग लगने ये सब का डर है इसमें लेकिन इसमें तो कोई डर ही नहीं है ना क्योंकि इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहा है ये सभी जगह अभी यूज़ किया जा रहा है ग्लोबली अभी ये चाइना और कोरिया में तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया जा रहा है लेकिन इंडिया में मध्य प्रदेश में इसको टेस्ट किया गया है और बहुत सारी कंपनी है जो इस पर अभी काम कर रही है जैसे हुंडई कौन सा कौन सी कंपनी का बनाया गया शायद हुंडई बनाई है ऐसी कुछ बनाई है कंपनी लेकिन मध्य प्रदेश में इसका टेस्टिंग हुआ है मध्य प्रदेश में की महाराष्ट्र में पहले तो कोई मीटिंग बैठी की नहीं है ना वही तो अभी इसका बस यहाँ इंडिया में टेस्टिंग हुआ है लेकिन अभी बैटरी
ये बताओ मैं क्या करूँ। सबसे पहले इसका इनिशियल कॉस्ट जो है हाइड्रोजन व्हीकल का, गाड़ी जब हम उसको खरीदते हैं तो अप्रॉक्स $60,000 की पड़ती है, और इसकी रेंज जो है वो 320 से 405 किलोमीटर की है। मतलब एक बार अगर हम फ्यूल रिफ्यूल करवाएं कितना दूर तक चल सकती है। इसका इमिशन जो है वो हाइड्रोजन स्टीम फॉर्म में निकल रहा है, और इसका टाइम ऑफ रिफ्यूल जो होता है वो 3 से 4 मिनट का होता है, और इसका जो कॉस्ट है रिफ्यूलिंग का वो $5.25 पर गैलन का जो इसका कॉस्ट है। वही इलेक्ट्रिक व्हीकल है जहाँ पे कि इसकी स्टार्टिंग इनिशियल कॉस्ट खरीदने की $21,000 है, और रेंज इसका 160 से 500 किलोमीटर एक बार रिफ्यूल मतलब कि चार्ज करने पे चलती है, और इनिशियल इसका कुछ भी नहीं होता, कोई इनिशियल नहीं है। और ये रिफ्यूलिंग टाइम इसका ज़्यादा लगता है क्योंकि इसे चार्ज करना पड़ता है, तो 30 मिनट से लेकर 12 आवर तक टाइमिंग लगता है, और इसका कोई भी कहीं भी चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है सब जगह, वहाँ पर जाकर हम चार्ज कर सकते हैं। इसका कोई रिफ्यूलिंग टाइम हमें प्राइस नहीं लगता, जहाँ पे ऐसे घर पर अगर चार्ज कर दें तो उसका थोड़ी पैसा लग रहा है, अगर कहीं और जाकर स्टेशन पर चार्ज करें पैसा तो जा ही रहा है। हाँ वहाँ पे वो तो मतलब इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट्रिक का पैसा जा रहा है, लेकिन ऐसे इसका कॉस्ट इनडायरेक्ट वे में जा रहा है। और पेट्रोल और डीजल का स्टार्टिंग जो इनिशियल कॉस्ट है किसी भी गाड़ी का वो $8,000 है, उसके बाद इसकी रेंज जो होती है 480 से 640 किलोमीटर तक होती है। इनिशियल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो